डायमेंशंस ऑफ आर इज आर एन ए रेजिस्टेंस आर एन ए तो रेजिस्टेंस का हमें वहां डायमेंशन पूछा है किसका डायमेंशन रेजिस्टेंस का तो ओम्स लॉ यूज करेंगे हम क्या यूज करेंगे क्या है ओम्स लॉ बताओ वी इक्वल टू आई आर है ना तो आर इक्वल टू क्या आएगा वी बाय आई वी एन ए वोल्टेज आई एन ए करंट आर एन ए रेजिस्टेंस अच्छा वोल्टेज एन ए क्या होता है वर्क अपॉन चार्ज क्या होता है वर्क अपॉन चार्ज और ये आई वैसे ही क्लियर तो ये वर्क वैसे ही और ये चार्ज है ना क्यू ये देखो साइड वर्क में चार्ज जो होता है चार्ज इक्वल टू आई टी आई इंटू टी आई एन ए करंट और टी एन ए टाइम चार्ज इक्वल टू क्या करंट इंटू टाइम तो क्यू की जगह आई इंटू टी और ये आई तो ये आ गया वर्क डन अपॉन आई स्क्वेयर इंटू टी क्लियर हाँ तो वर्क डन मैं बार बार बता रहा हूँ आपको वर्क डन यानी एनर्जी यानी टॉर्क यानी कपल यानी मोमेंट ऑफ फोर्स और इनके यूनिट्स और डायमेंशन सेम होते हैं रिपीटेडली मैं आपको बता रहा हूँ उसको याद रखने के लिए क्या होता है वर्क का डायमेंशन L2 M1 तो ये देखो L2 M1 T माइनस टू करंट I वह ऑप्शन में एक तो करंट I के रूप में डिनोट किया जाता है या A के रूप में कौन से इसमें दिया है A के रूप में तो ये करंट एम्पियर ना हाँ तो ये देखो करंट का एम्पियर ये स्क्वायर है तो स्क्वायर टाइम का रे T यानी T1 है ना इसको लिया हमने दोनों को अब तो क्या आएगा एल टू एम वन टी माइनस टू है ना ये होगा ए माइनस टू और ये टी माइनस वन है ना तो ये कंबाइन अगर किया तो ये एल एम टी और ये ए लेंथ मास टाइम और ये एम्पियर तो यल देखो बरा ये यल टू इधर नहीं है तो यल टू यम ये वन इधर नहीं है तो ये वन टाइम टी माइनस टू और ये माइनस वन माइनस थ्री और ये ए माइनस टू तो ये आ गया रेजिस्टेंस का डायमेंशन क्या है बोलो एल टू एम वन टी माइनस थ्री ए माइनस टू क्लियर